हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ही ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एज यू गाइस नो कि मैं लाड़काना पहुँच चुकी हूँ और आज जो है वो मेहंदी का फंक्शन है और हम वहीं के लिए जा रहे हैं जो कि फार्म हाउस में है। यहाँ पर हम रुके हुए हैं होटल में, घर पे नहीं रुके हुए। जिनकी शादी थी वहाँ घर नहीं रुके हुए, होटल में रुके हुए हम लोग। और यहाँ से अभी वो लोग हमें पिक करने लगे हैं और हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस जहाँ पे है मेहंदी का फंक्शन। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे उस जगह पर जहाँ पर ढोलकी संगीत और सत्संग था। तो यहाँ पर जो है मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है पूरे व्लॉग में, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत ही बड़े लाउड स्पीकर में बहुत ही ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे जो कि 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुए थे, तो जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पर जो है दूल्हा भाई की एंट्री हो रही थी और उसकी बहनें उसको जो है उसकी सीट तक लेकर जा रही थी और कुछ लोग बहुत ही जोश और खरोश में आकर नाच रहे थे। एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ था, बहुत ही इन्जॉय हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने नीचे किस तरह से जो है गोल गोल गद्दियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है चाह रहे थे कि जो बाकी सब लोग हैं वो नीचे बैठे और जो दूल्हा भाई हैं सिर्फ वो ही ऊपर सोफे पे बैठे, बाकी बड़ों के लिए साइड पे कुर्सियां वगैरह उन्होंने सेटल की हुई थी। और शूट्स वगैरह चल रहे थे, हल्दी की रस्म हो रही थी, काफ़ी इंजॉय हुआ और काफ़ी मज़ा आया। यहाँ भी बारी आ गई मेरी और नरेश की हल्दी लगाने की, और हम लोगों की बारी बिल्कुल लास्ट में आई थी। वो भी अरमान ने हमें यहाँ पर इतना तंग किया हुआ था, यकीन माने यहाँ पर इतनी सर्दी है कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी जिसका हमें आइडिया भी नहीं था। और अरमान की तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं है, इसको जो है फ्लू भी हुआ हुआ है, बुखार भी हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से इसने हमें बहुत ही डिस्टर्ब किया हुआ था। तो हम लोग लास्ट में बिल्कुल हल्दी लगाने के लिए गए और यहाँ पे जो है इन्होंने हल्का फुल्का खाने में शुरू किया संगीत डांस से पहले, जिसमें था समोसा, आलू की चिप्स एंड पिज्ज़ा। जी हाँ, पिज्ज़ा, समोसा, चिप्स और क्या था नरेश? पकोड़े वगैरह थे, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें थी। बट इसके बाद इन्होंने खाना भी दिया था, बट वो सब डांस के बाद हुआ था, उससे पहले जो है ये थोड़ा बहुत इन्होंने दिया था जो सब ने खाया। और एज यू गाइस नो कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने थोड़ा बहुत खा तो लिया बट उसके बाद जो है मेरी तबीयत बहुत ही अजीब हुई हुई है, मुझे जो है अजीब ही फील हो रहा था, बट फिर भी मैंने पिज्ज़ा जो है वो खाया, बाकी सब जो है मैंने ऑयली चीज़ें जो छोड़ दी। तो यहाँ पर अब जनाब जी शुरू हो चुका है डांस और सब जो सबका छोटा छोटा क्लिप्स ही मैंने बना रही हूँ, डांस का इतना ज़्यादा क्लिप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कभी किसी को पसंद होता है व्लॉग में आना, कभी किसी को पसंद नहीं होता है, तो हम ज़बरदस्ती किसी को व्लॉग में नहीं ले सकते, इसलिए मैंने जो है छोटे छोटे क्लिप्स ही लिए सिर्फ व्लॉग में। बस मेरे डांस का जो एक पूरा क्लिप है वो आप लोगों को एक बहुत ही लंबी वीडियो में नज़र आने वाला है, क्योंकि मैंने भी डांस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी तबीयत ख़राब है और इसको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं इसको जो है सिरप पिला कर लाई थी। और अब आप देखिए मेरा डांस।
पे मेरा डांस हुआ ख़त्म और बाकी अब सब जो है यहाँ पर मिलकर इंजॉय कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे। बट अरमान की तबीयत की वजह से हमें जो है रूम में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए अब हम निकल रहे हैं रूम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है ढोलकी से संगीत से होकर जो है होटल के रूम में आ गए हैं और मेरा मेकअप अभी तक लगा हुआ है। मैंने लेंसेज उतार दिए हैं आकर और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिए, इसलिए थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी। बट आज का व्लॉग यहीं तक, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।